मैं प्रणब जी का किरदार निभा रहा हूँ फिल्म में, सुपर 30 में। आनंद जी के छोटे भाई हैं वो। एंड यू नो, आनंद जी ने जब से सोचा है कि उनको सुपर 30 फॉर्म करना है, और उन्होंने जब से ये सपना देखा, प्रणब जी एंड आनंद जी हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज बिन टुगेदर। सो प्रणब जी, पहले वायलिनिस्ट बनना चाहते थे। ही वॉज एन आर्टिस्ट। वट हैपेंड? अच्छा, आई थॉट फिर से कोई आ गया। तो प्रणब जी पहले वायलिनिस्ट बनना चाहते थे। ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एंड देन आनंद जी सॉ दिस ड्रीम कि उनको सुपर 30 क्रिएट करना है। एंड यू विल वॉच इन द फिल्म कि कैसे वो स्टोरी है, कैसे वो सुपर 30 में मैं प्रणब जी का किरदार निभा रहा हूँ। एंड वो आनंद जी के छोटे भाई हैं। एंड दोनों ने साथ में मिलकर सुपर 30 फॉर्म किया है। एंड यू नो, उनकी जर्नी जो भी आनंद जी ने किया है, प्रणब जी ने हमेशा उनका साथ दिया है। यहाँ तक कि प्रणब जी का जो अपना खुद का सपना था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें उनको वायलिनिस्ट बनना था। एंड ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर इन फॉर्मिंग सुपर 30। एंड अ वेरी सिंपल मैन बट येट अ वेरी पावरफुल मैन, आई वुड से, बिकॉज आनंद जी वॉज हमेशा आनंद जी का ध्यान था कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, उनको मैथ्स, बच्चों को पढ़ाना कैसे, उनको मैथ्स कैसे सिखाना है। एंड प्रणब जी वॉज द वन जो पूरा मैनेजमेंट संभालते थे, जो सिलेक्शन में हेल्प करते थे, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आनंद जी और प्रणब जी को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो वहाँ का लोकल माफिया था प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, सिस्टम से उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, आई थिंक प्रणब जी, विदाउट प्रणब जी इट वुड हैव बीन पॉसिबल। ही वॉज द वन हु वॉज हैंडलिंग एवरी थिंग फॉर आनंद जी, सो दैट ही कुड कॉन्सेंट्रेट बच्चों को पढ़ाने पर। एंड ही इज़ अ फैमिली मैन कम्प्लीटली, यू नो, ही इज़ समबडी जिन्होंने अपना सारे सपने अपने सेक्रीफाइस करके सबके बारे में भुला के, एंड ही इज़ ओनली थॉट अबाउट हिज ब्रदर एंड हेल्प हिम। सो आई थिंक अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन एंड अ सिक्योर पर्सन कैन डू दैट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वॉज एबल टू पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर इन द फिल्म। आपने कितना रिसर्च किया? क्योंकि जब आनंद कुमार से बात हो रही थी तो आनंद कुमार ने कहा था कि ऋतिक रोशन लगभग 1 साल भी लगा उन्हें मेरे बारे में जानने के लिए, 4 से 5 घंटे की क्लास, मतलब मीटिंग्स हुई हमारे बीच में। आपने क्या क्या जी? मुझे है ना, मैं आई थिंक सबसे लास्ट में जिनको फाइनल किया गया वो मेरा ही किरदार था, प्रणव का किरदार। आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पर्सन पीपल ऑन दिस फिल्म। एंड मेरे पास करीब करीब 2 महीने थे सारी चीज़ें समेट कर, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए। सो मेरे साथ है ना, जैसे क्रैश कोर्स होता है वैसे हुआ था। मेरे जितने भी 5-6 महीने की जितनी इन्फॉर्मेशन थी जो सब ने कलेक्ट की थी, और मेकर्स जो, जैसे विकास भाई वॉज वर्किंग ऑन द फिल्म सिंस ईयर्स, सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वॉज डम्प्ड ऑन टू मी एंड आई हैड टू जस्ट एब्जॉर्ब एवरीथिंग। इट वॉज लाइक अ क्रैश कोर्स। तो मुझे सारी चीज़ें होल्ड पर डालनी पड़ी, माई ट्रैवल प्लान्स, माई पर्सनल लाइफ, माई इवेंट्स, माई शूट्स, एवरीथिंग वॉज ऑन होल्ड। एंड फॉर दोज 2 मंथ्स आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन टू एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही थी उसी में मुझे डायलेक्ट सीखनी थी, उनकी लाइफ्स के बारे में जानना था, उनके पसंद नापसंद, वायलिन सीखना, उनके चलने खाने पीने का ढंग, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनको गुस्सा किस चीज़ पर आता है, किस चीज़ पर वो मुस्कुराते हैं, ऑल दैट हैड टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड अप्लाइड। सो आई थरली इन्जॉयड द प्रोसेस। मुझे इतना, हाँ बोलिए। 2 महीने दौरान में कभी मीटिंग हुई उनसे, आपकी कभी मुलाकात? जी हाँ, आई वॉज कमिंग टू दैट। सो वाइल आई वॉज एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दिस, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिली वो प्रणब जी से मिली। एंड दैट वॉज द मेजर रीज़न दैट आई कुड प्रिपेयर इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज प्रणब जी से बात करके मुझे
जो चीज़ें मुझे पढ़ के या स्क्रिप्ट में पढ़ के समझ में नहीं आती थी या मुझे वो थॉट समझ में नहीं आता था, वो मुझे प्रणव जी से बात करके समझ में आता था. प्रणव जी हैड गिवन मी दैट लिबर्टी एंड ही हैड मेड हिमसेल्फ सो अवेलेबल दैट आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी सवाल पूछिए, आपको मिलना है तो मैं मुंबई आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए. सो ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैरेक्टर. Well, with Ritik sir, with Mrunal, it's been a great experience working with, especially with Ritik sir. He's a brilliant human being, a brilliant actor, but itne acche insaan hai that he makes you feel comfortable around him. He knows that agar main apne aas paas ke baaki ke actors ko comfortable feel karaunga, to you know the chemistry would look better on screen. That we'll be able to create that magic on screen. So I think there was so much to learn from him. There was I feel there was so much. Dada, mat kijiye please. Sorry sir. Ha, no problem. So yeah, in short, I feel there was so much to learn from Ritik sir. It would always stay with me throughout my life. Dusra family of Thakurganj ki baat kare to totally different story hai. जी दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरी टेलिंग है, दोनों का बेस अलग है. सो बट द गुड थिंग इज आई गॉट टू डिफरेंट रोल्स टू प्ले एंड आई गॉट टू डिफरेंट वेरी डिफरेंट स्टोरीज एंड आई वुड कंसिडर माई सेल्फ रियली रियली लकी के एक के बाद एक दो बहुत ही अलग तरीके के किरदार मुझे निभाने को मिले. सो जस्ट फॉर्चुनेट दैट आई विल बी एबल टू रीच द ऑडियंस एंड दे वुड बी एबल टू सी टू डिफरेंट साइड्स ऑफ मी प्लेइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स कम्प्लीटली. इसमें सर आप मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट का इसमें क्या है, इसके थोड़ा सा कैरेक्टर बारे में. सॉरी आपकी सवाल नहीं समझ में आया. फैमिली ऑफ ठाकुरगंज में मैं एक प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ और एक सिंपल इंसान जिसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू सिस्टम है अपना, उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है जो वो अपने फैमिली वालों से, अपने भाई से अग्री नहीं करता है कुछ चीज़ों पे. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ इंटरनली हमारे थॉट्स अलग हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हैं, बट स्टिल एज अ फैमिली वी आर टुगेदर. व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स हम अपनी फैमिली को इफेक्ट नहीं होने देते हैं. So even in the most adverse conditions, how this family stays together and fights everything is the story in short about family of Thakurganj. But there is a lot of layering to it as to why it happened, how it happened, or bahut sara thrill element hai which I can't talk about right now because that's something which you will love in the film. So once you watch it, you will realize how beautifully this story has been put together, ek family ki, and to what extent a family can go to protect each other. Mahi Gill, Jimmy Sheridan, kis tarah ka experience unke sath raha aur mujhe bhi malum pada ki backstage kaafi masti hui, kaafi fun se hue, uske bare mein zara share kar sakte. I think it was brilliant just shooting with Mahi, Jimmy, Saurabh ji, and it's been a brilliant experience, a very very good learning experience, and just fortunate to be working with such great actors in both the films and both of them releasing back to back. Finally, in dono film se aapko kya seekhne ke liye mila, kyunki a lot of things. I you know, from Super 30 I got to learn a lot of things from those kids, such innocent souls with so much purity they would emote. So that was the best thing that I learned from Super 30, from these kids. And from family of Thakurganj there was a lot about the brother bonding, how each brother would stand for the other brother. And family ko kaise unite ho ke rehna chahiye in spite of all the adverse conditions, how a family should always stand together. I think that they both have very different messages for the audience, so lot of things to learn. Please go and watch the film Super 30. It's releasing tomorrow on the 12th of July, and it's a beautiful story of these 30 kids, Anand ji and Pranav ji, and their relationship, and a very inspiring story. So please go and watch it and give your feedback. Thank you. Sorry, sir. Thank you.